हेलो बच्चों, अब हम स्फेरिकल मिरर्स की प्रॉब्लम को और एक्सटेंड करेंगे। अब मेरे पास एक से ज्यादा मिरर होंगे, मींस दो मिरर होंगे, और फिर वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा और मुझे फाइनल इमेज की सिचुएशन बतानी है। मैंने क्या कहा, पहले मैंने प्रॉब्लम्स की आपके लिए स्फेरिकल मिरर्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स विद लीनियर मैग्निफिकेशन। सेकेंड पार्ट मैंने बनाया, मैग्निफिकेशन को थोड़ा और एडवांस किया, दैट कैन बी योर लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज सुपरफिशियल और एरियल मैग्निफिकेशन। अब थर्ड फेज में हम क्या करेंगे, मेरे पास मिरर एक से ज्यादा होंगे। अब एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव, दोनों कॉन्वेक्स दोनों कॉनकेव, एक प्लेन एक कॉनकेव, एक प्लेन और एक कॉन्वेक्स, कुछ भी हो सकते हैं, दो मिरर होंगे मेरे पास। अब ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। वो कहता है मेरे पास दो कॉन्वेक्स मिरर है, दो कॉन्वेक्स सॉरी कॉनकेव मिरर है। एक की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। अब जब कॉनकेव है तो अब मैं थोड़ा साइन भी लगाना शुरू कर देता हूं, -10 सेंटीमीटर, और दूसरे की फोकल लेंथ है -15 सेंटीमीटर। दोनों के जो बीच का गैप है वो है 40 सेंटीमीटर। गैप कितना बचा दोनों के बीच का, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ मुझे। ये कहता है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस किया मैंने एट ए 12 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। इसको नाम M2 दे दिया, तो इसका पोल P1 बन जाएगा, इसका पोल P2 बन जाएगा। कहता है फर्स्ट रिफ्लेक्शन कहां हो रहा है, क्योंकि बताएगा मुझे, मुझे रिफ्लेक्शन पहले यहां पढ़ना है, वो बताएगा मुझे। कहता है फर्स्ट रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो मिरर नजदीक वाले मिरर के ऊपर हो रहा है, तो मुझे बताओ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज फॉर्म। ये आपको 12 दिया हुआ है तो ये बड़ी क्लियर सी बात है, ये 20 रह जाएगा, बिकॉज टोटल इज 40, टोटल 40 है। क्योंकि मैंने, वो क्या कह रहा है कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन कहां हो रहा है बच्चा जी, आपके पास मिरर नजदीक वाले मिरर के पास हो रहा है। इस मिरर की बात करते हैं, इसकी बात इधर कर लेंगे, तो 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f फॉर M1। M1 की बात कर रहा हूं भाई। व्हाट इज 1/v इज इक्वल टू 1/f -1/u इज इक्वल टू 1। व्हाट इज f? -10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस है। इधर को मेरा पॉजिटिव, इस मिरर के लिए इधर को पॉजिटिव है भाई, पॉजिटिव इस डायरेक्शन में इस मिरर के लिए, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। अब कितना है भाई, वो -1/12 है, तो सॉल्व करके -1/10 + 1/12 आ गया। एलसीएम मुझे 60 लेना पड़ेगा, -6 + 5 -1/60, और वी इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर बन गया। मींस मिरर के उसी साइड 60, ये तो टोटल डिस्टेंस 40 है, इसका मतलब कहीं इमेज कहां बन रहा है, यहां बन रहा है भाई इमेज, किसका, पहले वाले का। देख लो भाई कहां बन रहा है इमेज, यहां बन रहा है, ठीक हो गया। फॉर मिरर M2 इसकी बात करते हैं। अब इसके लिए डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस कौन सी हो जाएंगी भाई, हां जी ये वाली, तो इसके लिए सॉरी ये वाली। अब इसके लिए ये डायरेक्शन चलेगी पॉजिटिव, क्योंकि कैसे, अब देख लो आराम से देख लो, पहले क्या होगा बच्चा यहां पर, सॉरी थोड़ा सा ज्यादा बन गया ये, एक रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी और फिर वो ऐसे नजर आएगी मीट करती हुई यहां पर, ये सिचुएशन हो रही है भाई। नाउ दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑन दिस मिरर, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, दैट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। अब इस मिरर की बात कर रहा हूं, यहां पर यू कितना है भाई, पोल से +20, क्योंकि ये डिस्टेंस आपने कहा अभी +20 आया, टोटल 60 है तो ये +20 हो गया। फॉर M2 ठीक है बच्चा जी, 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। व्हाट इज 1/v? 1/f -1/u इज इक्वल टू 1/f। f कितना है भाई, -15, -1/u कितना है भाई, +20, तो ये एलसीएम आ जाएगा बच्चा जी कितना, 60 आ जाएगा, तो -4 -3 तो ये -7/60 आ गया। माइनस मीन्स अंदर कहीं बन रहा है,
कहाँ बन रहा है वो भी देख लेते हैं। तो यहां सॉल्व करके v इज इक्वल टू माइनस 60/7 आ गया, 7 8 56, बैलेंस बच गया 4, 7 5 32, बैलेंस बच गया 5, 7 7 49, ये -8.57 सेंटीमीटर, मीन्स कहीं यहां बन रहा है। तो ये इमेज यहां आके दिस इज योर I2। कोई डाउट हो बच्चा, कोई डाउट हो बच्चा? वो कह रहा है मेरे पास दो कन्वेक्स मिरर हैं, एक की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, एक की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, दोनों के बीच का गैप 40 सेंटीमीटर है, मैंने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर इस वाले मिरर से रखा हुआ है। कहता है मुझे फाइनल इमेज बताओ, अगर आपने फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट द मिरर जो नजदीक है उस पर स्टडी की है, क्योंकि अगर इस पर स्टडी करूंगा फिर वो डिफरेंट हो जाएगा, वो बताएगा मुझे पहले कहां से। इसके लिए फिर वो पहले कितना होगा, 40 हो जाएगा, सॉरी 28 हो जाएगा, उसका इमेज निकालूंगा, वो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर इसका इमेज, वो अलग चीज है, वो सेकंड केस बन जाएगा। ये एक, वो आपको बताएगा मुझे पहले निरर वाले पे स्टडी करना है या पहले फार्दर वाले पे स्टडी, वो आपको M1 M2 बताएगा कि मुझे किस पर पहले स्टडी करना है। कोई डाउट हो बच्चा जी? चलो इसको स्टडी करके देखें, पहले M2 के ऊपर देखते हैं क्या होता है। What is distance 28? ठीक है बच्चा, तो पहले अब M2 पे स्टडी करो, मैं M2 पे, तो 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f, सो वॉट इज 1/v, 1/f - 1/u, तो ये 1/ कितना हो जाए बेटा, -15 - 1/ कितना भाई, 28 आ गया, ये 28 -28 तो ठीक हो गया, माइनस था ना, तो माइनस प्लस बन जाएगा ये, क्योंकि f -15, u -28 है, एक ऑलरेडी माइनस आती हो गया। एलसीएम क्या लें भाई, अब मेरे ख्याल से 420 ले लेते हैं एलसीएम, या कुछ और लें, 280 पे चल जाएगा काम, 280 इस पे तो काम चल ही जाएगा ना, 420 पे तो 15 3 2 30 12, सर दोनों पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा पहले -15 2 30 12 बच जाएगा, 15 8 20 28, ठीक हो गया, प्लस ये 15 आ जाएगा, दिस इज -13/420 आ गया, सो व्हाट इज वी, दैट इज -420/13, तो 13 3 39, बैलेंस बच गया 3, 30, 13 2 36, 26 बैलेंस बच गया 4, फिर 13 3 -32.3 पे बना भाई, इसका इमेज -33.2 पे बना, मींस कहां बना है, 40 टोटल है, कहीं इसको रफ से द्वारा फिर बना देता हूं मैं, एक ये मिरर है, एक ये मिरर है, यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब इससे ये 28 पे रखा था मैंने ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया, कहां बना है, -32.3 पे बना, तो फिर यही कहीं बनेगा इमेज 32.3 पे। अब इससे डिस्टेंस कितना रह जाएगा, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 40 माइनस 422/13 आ जाएगा, उल्टा करके ही तो बनेगा, मींस 520 - 420/13 इज इक्वल टू 100/13 डिस्टेंस आ गया, ये डिस्टेंस कितना आ गया, 100/13 आ गया बच्चा जी। अब उस मिरर की बात कर देते हैं, M1 की बात कर देते हैं, 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f, 1/v इज इक्वल टू 1/f - 1/u इज इक्वल टू 1/f, f कितना बचा जी, 10 है, 1/-10 माइनस, क्योंकि u फिर अगेन नेगेटिव माइनस हो जाएगा, और 3/100/3 13, तो 13/100, एलसीएम बेटा जी 100 आ गया, -10 + 13 3/100 आ गया, पॉजिटिव आ रहा है भाई, मींस इधर बनेगा, फिर ऐसे करेंगे, देख लो आपके सामने आ रहा है 3/100, फिर ऐसे करेंगे, तो वो पहले आपको बताएगा। अब देखो यहां इमेज वर्चुअल बन रहा है, इस केस में, इस केस में इमेज कैसा बना था, रियल बना था इमेज, आपके सामने है सारा।
अगर मैंने पहले M1 पे रिफ्लेक्शन लिया, M1 का बना यहां पर, इसका तो रियल इमेज बना है मेरे पास। अगर मैंने पहले M2 पे लिया है तो मेरे पास वर्चुअल इमेज बना है। तो वो आपको बताएगा कि मुझे रिफ्लेक्शन कहां पर पहले स्टडी करनी है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको आंसर बताना है उसको। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर, चले आगे देख लो, देख लो बच्चा जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। एक ये कॉनकेव मिरर है ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर और एक ये कॉन्वेक्स मिरर है ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। दोनों के बीच का गैप अब फिर वही फिर 40 है भाई। मैंने एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया यहां से 15 सेंटीमीटर के ऊपर, कहां पर 15 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया। कहता है फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड। अगर आप इसको M1 मान रहे हो, मींस द फर्स्ट मुझे रिफ्लेक्शन किसके ऊपर स्टडी करना है भाई, कॉनकेव मिरर के ऊपर स्टडी करना है, तो उसको M1 नाम दे दिया। फर्स्ट मिरर वही हो गया जिसपे पहले रिफ्लेक्शन करना है, सॉरी जिसपे पहले रिफ्लेक्शन चाहिए उसको M1 फर्स्ट मिरर बना लो। डिस्टेंस वही 40 है, फोकल लेंथ 10 और 15 है भाई, वो तो कॉरस्पॉन्डिंग साइन तो लगा ही दूंगा बीच में मैं। तो पहले इस मिरर की इधर बात कर लेते हैं। 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। क्या मैं सीधा कर सकता हूं, तो uf / u - f ये बन जाएगा 1/f - 1/u - f उल्टा कर दिया। व्हाट इज u, कितना है भाई 15 सेंटीमीटर। व्हाट इज v, -10 सेंटीमीटर, सॉरी f। व्हाट इज u, सॉरी -15 सेंटीमीटर। -f कितना है भाई, -10 सेंटीमीटर। चेक कर लो भाई, u कितना है -15 सेंटीमीटर, f कितना है -10 सेंटीमीटर। तो ऊपर तो सॉल्व करके 150 आ गए, 150। नीचे u कितना है -15 - 15 - 10 - 5, तो v बराबर है -30 सेंटीमीटर आ गया। मींस इमेज कहीं यहां बनेगा भाई, 15 - 15 = 30 हो गया, यहां बनेगा इमेज इसका। तो ये भी कितना आ गया, सो दिस इज योर I1, पहला इमेज तो यहां बनेगा भाई। ठीक है भाई, चेक कर लो। इसके लिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव थी, इसके लिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, क्योंकि इसके लिए उधर बात करता हूं, इसके लिए इधर बात करता हूं। कोई डाउट हो बच्चा जी, देख लो। अब ये कितना रह गया, 10 रह गया, देख लो। तो व्हाट इज इस मिरर के लिए, व्हाट इज यू, -10। वी मुझे निकालना है, एफ कितना है +50, इसका इधर को +15 होगा, तो व्हाट इज वी, क्या वही सेम फॉर्मूला, u × f / u - f। यू कितना है भाई -10, एफ कितना है भाई 15 / u - 10, एफ कितना है भाई 15। तो ऊपर -150, नीचे -25, सॉल्व करके +6 आ गए। +6 मींस कहीं यहां बनेगा इस साइड के ऊपर, ये 6 सेंटीमीटर पे यहां बनेगा। अब यहां कैसा बनेगा, यहां तो फिर वर्चुअल बनेगा भाई, देख लो। अब हुआ क्या फिर यहां पर, क्या हुआ यहां पर, यहां पर ये हुआ कि एक ये रे गई, एक ये वापस आई और यहां गई, ठीक है, ऐसे वापस होगी, अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस इज I2। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट था, इसका इमेज पहले यहां बना, तो ये रिफ्लेक्शन होके यहां आ गई, ये आगे जाएगी। अब इसका इमेज अगर तो बनता रियल, फिर तो कहीं अंदर रिफ्लेक्शन हो रही होती, अब ये बन रहा वर्चुअल, तो पीछे से आती हुई नजर आएगी। चेक कर लो बच्चों, कोई डाउट हो चेक कर लो। और रे डायग्राम बनाना आपके लिए कोई मस्ट नहीं है, वो तो जस्ट आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं मैं। आप तो सिंपल ऐसे भी कर सकते थे, इसको ऐसे भी कर सकते हो, आपको क्वेश्चन एग्जाम में आया है अपने कैलकुलेशन करने के लिए। ये मेरा मिरर कौन सा है, कॉनकेव है, ये अपना फिगर बनाओ छोटी सी, यहां पर 12 सेंटीमीटर पे आपने ऑब्जेक्ट रखा पहला बना, सॉरी 15 पे रखा पहले आपने,
ये आपने ऑब्जेक्ट रखा बेटा जी, इमेज बन गया 30 पे, उसको I1 लिखो, इसको भी 15 लिखो, और यहां लिखो I2, इसको लिखो +6 सेंटीमीटर, बस आपका काम खत्म। रे डायग्राम इज नॉट मैंडेटरी, वो तब है जब वो आपको अगर कंपटीशन में आ रहा है तो नॉट मैंडेटरी, लेकिन अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सीबीएसई में आया है, तब मैंडेटरी है बनाना, क्योंकि कंपटीशन में तो आपको वो ऑप्शन देगा ना, तो वहां तो उसको ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट द बैक एंड पे आप कैसे काम कर रहे हो, लेकिन अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो फिर रे डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, कोई डाउट नहीं। इसलिए मैं कोशिश करके साथ में रे डायग्राम भी बना रहा हूं, कोई डाउट हो बच्चों जी, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, वो क्या कहता है, एक मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर है, थोड़ा बड़ा बनाता हूं इसको, एक मेरे पास ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, राइट, और एक यहां रखा हुआ है विच इज योर कॉनकेव मिरर, इसको इधर से फोक कर देते हैं तो ये कॉनकेव बन जाएगा, दोनों की फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है, तो यहां लिखूंगा तो -25 सेंटीमीटर, यहां लिखूंगा उल्टा लिख दिया मैंने, यहां पर -25 सेंटीमीटर, यहां पर +2, क्योंकि इसके लिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, इसके लिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये तो मैंने पढ़ ही लिया, अब इतना आइडिया मुझे हो ही चुका है, ठीक हो गया। दोनों के बीच का कैप 100 सेंटीमीटर है और बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब वो क्या कहता है मुझे, फाइंड पोजिशन एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज एट कॉन्वेक्स मिरर, कि पहला रिफ्लेक्शन इसके ऊपर है, नेचर पोजीशन एंड नेचर के वो भाई कि वो रियल है, इन्वर्टेड है, मैग्निफाइड है, डिमिनिश्ड है, कैसा है, सब बताना है। इसका मतलब आज ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई ये वाला ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं आज। उसने कहा है फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट कॉन्वेक्स मिरर, अगर हम इसको कॉनकेव से करें पहले कोई बात नहीं, चेक कर लो 25 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है, ये टोटल डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर का है, यहां से 50 पे रखा हुआ है, मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, तो वहीं पर जस्ट इन्वर्टेड इमेज बनेगा, ठीक हो गया बच्चा जी। इट मींस सिर्फ इसी का रिफ्लेक्शन, फिर तो ये सिंगल मिरर वाला केस बन गया, रिफ्लेक्शन एक ही होगा, इफेक्ट तो एक ही का आएगा ना, क्योंकि पहले वाले ने तो उसको जस्ट इन्वर्ट किया और कुछ नहीं किया, पहले वाले ने, सेकंड वाला छोटा बड़ा करेगा। अब क्या कहता है वो, पहले इसमें मेरे छोटा बड़ा करो फिर इससे देखेंगे, ये कहना चाह रहा है वो। तो ये आपका M1 बन जाएगा, तो ये P1 बन जाएगा। लो जी, व्हाट इज V निकालो सबसे पहले, तो दैट इज U इनटू F अपॉन क्या होता है बच्चा जी, U माइनस F। U कितना है बच्चा जी, -50। F कितना है बच्चा जी, +25। U कितना है बच्चा जी, -50। F कितना है बच्चा जी, 25। तो ये बन गया ऊपर माइनस साइन, 50 × 25, नीचे भी माइनस साइन आएगी, सर नीचे तो साइन आएगी नहीं कोई भी, दैट इज 50 × 25, चेक करो, सॉरी, नीचे साइन आएगी -75, सॉरी, तो -75, ठीक हो गया, क्योंकि ऊपर तो माइनस साइन आ गई दोनों की, नीचे दोनों माइनस का माइनस है, तो माइनस माइनस कट गए, सॉल्व करके 50/3 आ गया, यही कर देता हूं 50/3 सेंटीमीटर। पॉजिटिव साइन मींस कहीं यहां बन रहा है भाई, ये इमेज बन रहा है, I1 नाम दे दिया मैंने इसको, ठीक हो गया। अब ये नहीं मुझे पता इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को बेसिक थ्योरी तो पता है कि कॉन्वेक्स मिरर है तो इरेक्ट इमेज ही बनता है और डिमिनिश्ड बनता है, वो भी चेक कर देता हूं। M is equal to -V / U, -V कितना है भाई,
50 बटा 3, यू कितना है भाई माइनस 50, सॉल्व करके 1/3 है। इससे 1/3 साइज का बनेगा यहां पर, तो चलो बना देते हैं पहले, कोई अभी रे डायग्राम भी बना दूंगा मैं आपकी, ए डैश बी डैश, ये बन गया 1/3, इधर वाला काम सारा पूरा हो गया। अब इधर कह रहा है वो इससे डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई उसका, 100 + 50/3, तो इसके लिए व्हाट इज यू, दैट इज 100 + 50/3, सॉल्व करके 350/3 आ गया भाई, ये उसका क्या होगा डिस्टेंस होगा। इसके लिए सॉल्व करो अब, तो व्हाट इज वी यू इनटू एफ अपॉन यू माइनस एफ, व्हाट इज यू माइनस 350/3 इंटू एफ, बच्चा जी 25 है, कैसी है वो माइनस साइन के साथ है क्योंकि वो वाली पॉजिटिव थी, डिवाइडेड बाय यू माइनस 350/3 माइनस माइनस 25, चेक कर लो बच्चा जी, तो ये बन जाएगा ऊपर तो बन जाएगा 350 × 25/3, नीचे आ जाएगा 3 एलसीएम आ जाएगा और ये प्लस का बन जाएगा, माइनस 350 × 75/3, सॉल्व करके आ जाएगा 350 × 25 डिवाइडेड बाय, हाँ जी माइनस 275, ठीक है, तो ये बन जाएगा 350/13 बन जाएगा विद नेगेटिव साइन, चेक कर लो भाई 350/13 विद नेगेटिव साइन, तो ये तो आपने M1 का काम किया था, अब ये M2 का काम चल रहा है, 350/13 आ गया भाई, चेक कर लो कहीं डाउट तो नहीं है भाई, U मेरे पास ये है निकाला मैंने, V मेरे पास माइनस 25 है, U ये है माइनस माइनस 25, तो ये प्लस के 25 बन गए, एलसीएम लिया 350 × 75/25, ऊपर आएगा 350 × 25/3, 3 से 3 एलसीएम, दोनों ये फैक्टर खत्म हो गए जो आपके एलसीएम वाले थे, नीचे 3 से थी, नीचे आ जाएगा माइनस 275, ये आ जाएगा 11 आ जाएगा, कोई डाउट हो बच्चा, व्हाट इज मैग्नीफिकेशन, माइनस वी बाय यू इज इक्वल टू माइनस वी, इज कितना आ रहा है भाई माइनस साइन आ रही है, बिल्कुल एक माइनस आएगी ना यहां पे, अच्छा लिखी हुई है मैंने लेकिन नजर नहीं आ रही, वो माइनस माइनस 350/11 डिवाइडेड बाय यू, यू कितना है 350/3, ये भी विद नेगेटिव साइन के साथ है, तो ये आ जाएगा माइनस 3/11, माइनस मीन्स इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, और इसका 3/11 इसका और छोटा हो रहा है, और कहां बन रहा है ये सारी बातें हैं, ये मैग्निफिकेशन है भाई, ये डिस्टेंस है जहां वो बन रहा है, माइनस 350/11 पे बन रहा है इस मिरर से, 350/11 रफली ये 33 point something आ गया, सॉरी 30 point something आ गया, तो पहली बात तो ये कहीं यहां बन रहा है, 30 टोटल 50 है तो 30 point something, ये 30 point something ये ले लिया भाई, यहां बन रहा है, उससे भी छोटा बन रहा है, दिस इज योर ए डबल डैश और बी डबल डैश। अब मुझे प्लॉट करनी है रे डायग्राम, अब मुझे क्या काम करना है, रे डायग्राम प्लॉट कर भाई, क्या बताया था 3 रे चलेंगी, पहली जाएगी कहां पर ऑप्टिकल सेंटर पे और वो वापस आ जाएगी ऐसे एग्जैक्टली सेम वे में वापस आ जाएगी, वो ये वापस आ गई। अब एक रे इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर में से भी पास करती है, वो पास करेगी यहां पर ऐसे जाएगी वो, और वो सॉरी थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं इसको लाइक दिस, और वहीं से वो वापस आ जाएगी, देख लो बच्चों कोई डाउट हो। अब ये रे कहां जाएगी, यहां जाएगी इस मिरर पे जाएगी, और रिफ्लेक्ट होके कहां आएगी, वो यहां आएगी। अब एक रे से तो मिरर नहीं, इमेज नहीं बनता कभी भी, अब ये रे इधर भी तो जाएगी और इधर से रिफ्लेक्ट होके कहां आएगी, ये यहां आएगी, ऐसे आपका ये ए डबल डैश बनेगा बच्चा जी, दैट विल बी बी डबल डैश, चेक कर लो बच्चा जी, चेक कर लो, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज यहां बनेगा, ये इस वाले यू कैन से आपके मिरर की थ्योरी लग गई सारी। अब इसको बीच वाले को भूल जाओ, इसका इमेज यहां बनना है, यहां बनना है, तो एक रे गई आपकी इसके ऊपर, बी बिकॉज डाइवर्ज हो रही है ना, अपीयर्स टू बी कमिंग, यहां गई यहां वापस आ गई, ठीक हो गया। दूसरी रे इसकी कौन सी है, ये भी तेरे वही है जो यहां से आती हुई नजर आ रही है, इस पे आ गई, कोई डाउट हो बच्चा जी,
अगर ये मैं पहले इस पर रिफ्लेक्शन स्टडी करता तो कुछ नहीं होना था, बस ये भाई उल्टा बन जाता और फिर ये बन जाता, वो नीचे बन जाता और तो कुछ ना होता, डिमिनिश बनता ना, क्योंकि इससे अगर मैं पहले यहां रिफ्लेक्शन स्टडी करता तो इसका इमेज नीचे बनता यहां पर और इसका फिर ये यहां बन जाता, ये चीज नजर ना आती मुझे, मतलब इसके बारे में मैं नहीं बता सकता था अगर मैं फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट कॉनकेव मिरर स्टडी कर लेता। तो इसलिए मैंने लिखा, उसने लिखा है कि फर्स्ट योर रिफ्लेक्शन इज एट, तो आपका इमेज फॉर्म जो है वो आपका रियल है, नंबर टू कैसा है इन्वर्टेड है, नंबर थ्री कैसा है डिमिनिश्ड है। ठीक है बच्चा जी, चलें आगे नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, दो कॉनकेव मिरर हैं, एक की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर और दूसरे की भी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। दो कॉनकेव मिरर हैं, पहले वाले की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर और ये इसकी ऑप्टिक एक्सिस है भाई। अब दूसरा वाला मैंने ऐसे प्लेस किया है कि जो उसकी ऑप्टिक एक्सिस है वो पहले वाले से नीचे है भाई, लाइक दिस, इसकी ऑप्टिक एक्सिस ये है भाई, ठीक हो गया। इसकी भी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, दोनों के बीच का गैप 1 मीटर है और ये जो पॉइंट है यहां पर ओरिजिन भी है भाई, ये ओरिजिन भी है, तो इसका मतलब ये मेरी वाई एक्सिस है और ये मेरी एक्स एक्सिस है, मतलब जो दूसरे वाला मिरर है उसकी जो ऑप्टिक एक्सिस है वो अलोंग एक्स एक्सिस मैंने रखी हुई है। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मैंने ओ यहां पर रखा भाई, ओ, ठीक है, और मैंने फर्स्ट रिफ्लेक्शन यहां से स्टडी करना चाहता हूं, मैं सेकंड रिफ्लेक्शन यहां से स्टडी करना चाहता हूं, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड। अब देखो वर्ड लगा दिए क्योंकि मेरे को एक्स वाई जेड एक्सिस दे दिए उसने, एक्स वाई एक्सिस फाइनल इमेज फॉर्म्ड, ये काम करना है भाई मुझे। पहली बात, ये डिस्टेंस कहते हैं वो 40 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है, ये 60 है, इसको भी ऊपर बना देते हैं और ये डिस्टेंस, इसको वाई को ऊपर ले देते हैं बच्चा जी, और ये डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है, ठीक हो गया। ये सारी बातें वो बता रहा है, इसको M1 लिखा उसने कि पहले मुझे यहां से रिफ्लेक्शन स्टडी करना है, तो पहले यहीं से निकाल देते हैं, इसको इधर सॉल्व कर देते हैं, व्हाट इज 1 बाय u + 1 बाय v 1 बाय f, यही होता है बच्चा, व्हाट इज v पढ़ चुका हूं मैं, u × f / u − f, u कितना है भाई −60, v कितना है भाई, सॉरी f कितना है भाई −20, बटे u −60, −-20, तो ये आ जाएगा 1200/-40, सॉल्व करके −30 सेंटीमीटर v आ जाएगा। मींस इमेज कहीं यहां बनेगा, कहीं यहां बनेगा, अब ये तो हो नहीं सकता, इसका ये देख रहा हूं तो इमेज यहीं बने। अब आराम से थोड़ी सी बात करते हैं और, ये चलो पहले इसकी बात भी कर लेते हैं, यहां बना तो डिस्टेंस 70 रह जाएगा, ये इसका भी v निकाल देते हैं, तो u × f ये फॉर M2 है भाई और ये फॉर M1 है भाई। अभी हम सिर्फ अलोंग x एक्सिस बात कर रहे हैं, यहां पर u कितना हो जाएगा, ये 40 + 30 70 हो जाएगा, −70 × −20 + 20 = 1400/-50 = −28 सेंटीमीटर। इससे माइनसेट मींस अंदर को मींस डॉट लगा रहा हूं सिर्फ मैं, ये टोटल 40 है, यहां 28 पे बनेगा, डॉट लगाया सिर्फ मैंने, पहला इमेज ये बना, दूसरा इमेज ये बने। अभी अलोंग एक्स एक्सिस बात की है मैंने, अलोंग वाई एक्सिस बात नहीं की बिल्कुल भी। अब थोड़ी सी बात करते हैं, जब हम ये कहते हैं बच्चों कि मैंने ये एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है
इन फ्रंट ऑफ मिरर इसका इमेज ये बन गया, मान लो ये सपोज ए है, ये सपोज बी है, ये ए डैश और ये बी डैश, ऐसी बात करते हैं अलोंग वाई एक्सिस। अब वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, पहले उसने ये ऑब्जेक्ट प्लेस किया, एक ये ऑब्जेक्ट, तो इसके, या चलो ये ऑब्जेक्ट है ये इमेज एक ही बात है तो फर्क नहीं पड़ता कोई, इस टिप का ये बनेगा फिर इमेज या इस टिप का ये इमेज, अगर ऐसी प्रोकेशन की बात कर रहा हूं और तो कुछ नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट ये इमेज ये इमेज ये ऑब्जेक्ट एक ही बात है। इसका मतलब इसका जो इमेज बनेगा वो कहीं ऊपर बनेगा यहां पर, पहली बात कहीं ऊपर बनेगा, पहली बात कितना ऊपर बनेगा, इसको मैं अब एक्सिस से ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लेता हूं, हाइट ऑफ इमेज निकाल देता हूं, तो व्हाट इज, इस इधर बात कर रहा हूं मैं, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, क्या होता है भाई, माइनस वी बाय यू इज इक्वल टू माइनस 30 बाय माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि उल्टा बनेगा इससे, तो इससे ऊपर को बनेगा और आधा बनेगा। तो अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया, ये गैप एक सेंटीमीटर है भाई, ये गैप कितना है एक सेंटीमीटर है भाई, तो इससे आधा बनेगा, इससे आधा, लेकिन चलो हाइट भी निकाल देते हैं, व्हाट इज एच आई बाय एच ओ, अब पहले वन की ये इसको एम वन मान लेते हैं, अभी दिस इज फर्स्ट मिरर की बात कर रहे हैं तो इसको एम वन मान लेते हैं, व्हाट इज एम वन एच आई वन बाय एच ओ आल्सो, ये माइनस वन बाय टू आ रही है अभी, व्हाट इज एच आई वन मुझे निकालनी है भाई बाय एच ओ, तो यहां से एच आई वन कितना आ जाएगा, माइनस हाफ इंटू एच ओ इज इक्वल टू माइनस हाफ। अब चेक करो इसकी एक्सिस से नीचे बन रहा है एक सेंटीमीटर, नीचे है ऑब्जेक्ट एक सेंटीमीटर हाइट वाइज, तो माइनस वन इज इक्वल टू प्लस हाफ, आधे सेंटीमीटर का ऊपर बनेगा, वो मैंने यहां से भी बता सकता था कि उससे आधा बनेगा, लेकिन मैंने उसकी लेंथ भी निकाल दी, तो ये हाइट कितनी है, दिस इज 0.5 सेंटीमीटर हाइट है। ये सारा प्रोसेस आपका, इसको मैं रब कर सकता हूं, ये तो जस्ट मैंने समझाने के लिए किया था, ये सारा प्रोसेस आपका किसका है, इस वाले मिरर का है, इस वाले मिरर का, इस वाले मिरर का। अब ये बन गया, दिस इज योर आई वन, यहां बनाया भाई आई वन, अब वो इसकी एक्सिस से वन प्लस हाफ थ्री बाई टू ऊपर है क्योंकि दिस इज योर 0.5। अब इसकी मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, व्हाट इज एम, माइनस वी बाय यू इज इक्वल टू माइनस वी इज माइनस 28 बाय माइनस 70, सॉल्व करके आ जाएगा माइनस 2 बाय 5, लेकिन मेरे मैंने क्या कहा, ये एच आई 2 बाय एच ओ भी होता है इज इक्वल टू माइनस 2 बाय 5, यहां से व्हाट इज एच आई 2 इज इक्वल टू माइनस 2 बाय 5 इंटू व्हाट इज एच ओ, इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये ऑब्जेक्ट है, कहां रखा हुआ है, 3/2 पे रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, इसको डॉटेड बनाता हूं, इससे 3/2 ऊपर रखा हुआ है, ठीक है जी, तो इंटू 3/2 पॉजिटिव रखा हुआ है, तो माइनस 3/5 एच आई 2 माइनस 0.6 सेंटीमीटर जो इमेज बनेगा, आराम से इमेज यहां बन रहा था वाई एक्सिस से, ये वाई एक्सिस है, इससे नीचे बनेगा कितना, ये अब आपका आई टू बनेगा 0.6 सेंटीमीटर नीचे बनेगा, ठीक हो गया जी। देख लो यहां पर पहले 30 पे इसके आधे में आपका आई वन बन रहा था, इसका इमेज यहां 28 पे बना, तो 28 मैंने ये बनाया हुआ है, यहां से 28 एक्सिस से 12 रह जाएंगे, तो व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, 12 इंटू माइनस 0.6, ये इसके कोऑर्डिनेट हैं आई टू के, दिस आर द कोऑर्डिनेट ऑफ आई टू, कोई डाउट हो बच्चा। अब मैंने ये क्वेश्चन आपका एक्सिस को ऊपर नीचे बना के भी कर दिया, जब एक्सिस ऊपर नीचे होंगी अपने जो आपका मिरर है उसकी एक्सिस पे कंसंट्रेट करो, पॉइंट अगर उससे ऊपर चेंज चलाई करे तो वो हाइट बन जाएगी उसकी, वो वाई एक्सिस वाली बात, ये वाई एक्सिस का फॉर्मूला आ गया, कोई डाउट हो बच्चा, मतलब बेसिकली अब मैं यहां ध्यान से मैं लिखूं, व्हाट वाज माय मैग्निफिकेशन, वो आपका एच आई बाय एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू, मींस लीनियर डिस्टेंसेस को वर्टिकल डिस्टेंसेस से रिलेट कर रहा है, एक्स एक्सिस डिस्टेंसेस को वाई एक्सिस डिस्टेंसेस से रिलेट कर रहा है, देख लो कोई डाउट हो आपको इस क्वेश्चन के अंदर,
चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, इसके एक्सिस के ऊपर इसके बिल्कुल सामने मैंने रखा हुआ एक प्लेन मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 22.5 सेंटीमीटर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 22.5 सेंटीमीटर। कहता है ऑब्जेक्ट कहां प्लेस करूं कि दो इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर एंड प्लेन मिरर दे कॉइंसाइड, दोनों सेम प्लेस पे बन जाएं। क्या कहता है वो, एक मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, उसके सामने मैंने एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, इन दोनों के बीच का गैप 22.5 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट यहां कहां रखूं कि जो ये ऑब्जेक्ट बनेगा इसका इमेज बनेगा और जो इसमें डायरेक्ट इसका इमेज दोनों कॉइंसाइड कर जाए। अब इसका डायरेक्ट इमेज तो कैसे बनेगा भाई, दैट विल बी प्लेन मिरर का इमेज। मान लो ऑब्जेक्ट रखा यहां पे आपने ऐसे, तो ये आईपी बन जाएगा प्लेन मिरर का इमेज। तो मान लो मैंने डिस्टेंस एक्स पे रख दिया भाई इसको यहां से, सो व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, 22.5 माइनस एक्स, और ये डिस्टेंस भी कितना होगा 22.5 माइनस एक्स, ये डिस्टेंस भी वही है दोनों, क्योंकि प्लेन मिरर से तो वो कहां बनता है, सेम डिस्टेंस पे बनता है। मैंने क्या कहा, एक आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इसके सामने 22.5 सेंटीमीटर पे एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, कहता है दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट कहां पर रखूं कि जो इमेज ये प्लेन मिरर बनाएगा और ये जो कन्वेक्स मिरर बनाएगा उस ऑब्जेक्ट का जो रखा है मैंने कहां, जिसको पूछो मैं कहां रखूं, सेम पोजीशन में बने या दोनों में कोई पैरेलेक्स ना हो, एक ही बात है। मैंने कहा जी चलो इसको यहां रखो एक्स से, तो व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा भाई 22.5 माइनस एक्स, और इमेज भी कहां बनेगा भाई, एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे बनेगा, 22.5 माइनस एक्स पे बनेगा, दैट विल बी आईपी। अभी तो इसको इसमें देख रहा हूं मैं, अब इससे बात करते हैं। अब इसका मतलब इसका इमेज यहां बन रहा है और तो कुछ नहीं हो रहा भाई, लो जी, सो व्हाट इज 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f, व्हाट इज 1/u, 1/x है भाई माइनस साइन के साथ प्लस, व्हाट इज इमेज यहां बन रहा है, तो ये टोटल 22.5 है और ये 22.5 माइनस एक्स है, टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 1/45 माइनस एक्स आ जाएगा विद नेगेटिव साइन क्योंकि सेम साइड के ऊपर है, इज इक्वल टू 1/1 माइनस 10, फोकल लेंथ भी आपकी नेगेटिव है, लो जी सॉल्व करो, माइनस सारे खत्म हो गए, माइनस सारी खत्म कर सकते हो आप, चेक कर लो माइनस सारी खत्म हो जाएंगे, सबके वैल्यू पुट कर दी आपने, तो ऊपर आ जाएगा 45 माइनस एक्स प्लस एक्स, नीचे आ जाएगा 45 माइनस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/10, तो एक्स ऊपर कट गया बेटा जी, 450 बराबर है 45x - x² और ये बन जाएगा x² - 45x + 450 बराबर है 0, यहां से आ जाएगा x - 30 × x - 15 मीन्स एक्स बराबर है 0, मीन्स एक्स बराबर है 30 सेंटीमीटर और एक्स बराबर है 15 सेंटीमीटर। अब 30 सेंटीमीटर तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप गैप पहले ही सिर्फ 22.5 सेंटीमीटर का बता रहे हो, तो ये पॉसिबल है भाई, इसको यहां से 15 सेंटीमीटर पे प्लेस कर दो, ठीक है जी, उसका इमेज बन जाएगा यहां से कहां पर 45 सेंटीमीटर के ऊपर, सॉरी 30 सेंटीमीटर के, 45 माइनस एक्स 30 सेंटीमीटर बन जाएगा, ये 22.5 पर रखा हुआ है 7.5 और ये 7.5, तो 22.5 + 7.5 30 बन गया अपने आप, चेक कर लो बच्चों। अब यहां मैंने एक प्लेन मिरर और कॉनकेव मिरर ले लिया, तो एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, उसके सामने आपने क्या रखा हुआ है, एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट कहां पर रखूं कि मेरे पास क्या हो जाए बच्चा जी,
इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर एंड कॉनकेव मिरर इज एट द सेम प्लेस। तो इसका मिरर कहां बनेगा, ये कहां रखा आपने, एक्स कितना आ रहा है 15 सेंट फोकल लेंथ, तो इमेज यहां बनेगा उल्टा, ये आई मिरर वाला बनेगा। लेकिन दोनों में कोई पैरेलेक्स, दोनों सेम पोजिशन में बनेंगे, उसका सीधा बनता है, इसका उल्टा बनेगा, चेक कर लो बच्चों। चले आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक कॉन्वेक्स मिरर है, एक मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसकी ऑप्टिक एक्सिस है, 50 सेंटीमीटर पे मैंने कहीं एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कहां पर 50 सेंटीमीटर पे, दिस इज 50 सेंटीमीटर, इसका कहीं इमेज बनेगा, और बता मुझे कॉन्वेक्स मिरर है तो डिमिनिश्ड इमेज बनेगा और वर्चुअल इरेक्ट इस साइड पे बनेगा कहीं। मैंने क्या किया, यहां से 30 सेंटीमीटर पे एक नीचे से एक मिरर लगा दिया भाई, यहां से 30 सेंटीमीटर पे एक मिरर लगा दिया भाई। कहता है अब इसका जो इमेज है और ये जो इमेज बनाएगा दोनों में कोई पैरेलेक्स नहीं है, मीन्स दोनों सेम पोजीशन पे बन रहे हैं, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर बतानी है आपको। क्या कह रहा है वो, एक कॉन्वेक्स मिरर है, उससे 50 सेंटीमीटर के ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, उसका कहीं इमेज बनेगा मुझे पता है। अब मैंने क्या किया, नीचे से एक लोअर हाफ को एक इमेज जो है वो कट कर रहा है आपके मिरर को, और यहां से 30 सेंटीमीटर मैंने वो मिरर रखा है, और मैंने ऐसे अब जब मिरर रख दिया तो जो मिरर के अंदर इमेज बन रहा है और जो इसका डायरेक्ट इमेज बन रहा है दोनों में कोई पैरेलेक्स नहीं है, मींस दोनों सेम पोजिशन के ऊपर है। तो इसका इमेज तो यहां से 10 पे बनेगा भाई, कहीं बनेगा तो वो यहां से 10 सेंटीमीटर पे बनेगा इमेज फॉर्म्ड। अब क्वेश्चन क्या बन गया कि मेरे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसके अंदर u इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर है, f मुझे निकालनी है, v इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यही क्वेश्चन बन गया, चेक कर लो। क्योंकि प्लेन मिरर के अंदर फिर तो प्लेन मिरर में हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे बनेगा इमेज, वो मुझे हेल्प करेगा कहीं ना कहीं पर। तो क्वेश्चन क्या है, एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसके मैंने सामने 50 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसका कोई इमेज बनेगा, वो कहां बनेगा डिपेंडिंग अमाउंट ऑफ फोकल लेंथ। अब कहता मैंने नीचे से प्लेन मिरर इंट्रोड्यूस किया, इसके अंदर जो इमेज बन रहा है इस ऑब्जेक्ट का यहां बनेगा, एक्स एक्सिस पे बनता है वो, उसमें और उसमें कोई पैरेलेक्स नहीं है, मीन सेम पोजिशन पे बन रहे हैं वो। तो लो जी, तो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, 1/-50 जमा 1/10 बराबर है 1/f, एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चा 50 आ जाएगा, -1 + 5 इज इक्वल टू 1/f यही बनेगा, और f इज इक्वल टू 50/4 तो 12.5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ जाएगी आपके कॉन्वेक्स मिरर की। पॉजिटिव आ रही है, नेचर भी बता रही है, अगर वो पता हो लगे कि नेचर ही नहीं पता हमें तो वैसे करते फिर, कोई डाउट हो बच्चा, कोई डाउट हो बच्चा जी, चले आगे नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक ये आपके पास कॉनकेव मिरर है, ये इसकी ऑप्टिक एक्सिस है, ये इसका फोकस होगा, ये 2f होगा, एक ऑब्जेक्ट 5/2 पे रखा हुआ है भाई, कहां पर रखा हुआ है, डिस्टेंस 5/2 पे, तो ये f बनाया मैंने, ये 2f बन गया, और ये डिस्टेंस थोड़ा सा आधा, कोशिश करिए बनाने की। अब एक मैंने प्लेन मिरर रखा हुआ है कहां पर, यहां पर एट ए डिस्टेंस 4/2, तो थोड़ा सा मैंने f से इधर रखा है, और वो फेस कर रहा है मिरर आपके, किसको, कॉन्वेक्स मिरर को फेस कर रहा है। फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड, फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड, ये क्वेश्चन है भाई। पहले वालों से थोड़ा सा डिफरेंट, पहले वालों में क्या करता था मैं, ये यहां बनाता था कुछ, अब थोड़ा सा डिफरेंट है ये भाई, सब इसकी फोकल लेंथ f है, तभी तो मैंने f f की बात की है सारी। पहले तो इसका इमेज कहां बनेगा वो बात करनी पड़ेगी,
तो 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ. 1 बाई यू, यू कितना है भाई, माइनस 5 बाई टू एफ प्लस 1 बाई वी पता नहीं मुझे, इज इक्वल टू 1 बाई माइनस एफ, यही बनेगा. सो व्हाट इज 1 बाई वी, माइनस 1 बाई एफ प्लस बन जाएंगे 2 बाई 5 एफ. एलसीएम आ जाएगा बच्चा जी 5f, तो माइनस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 5f और v आ जाएगा 5f बाई 3 विद नेगेटिव साइन. मीन्स इमेज ने कहीं यहां बनना है, कहीं यहां बनना है f और 2f के बीच में, बीच में ये मिरर आ गया तो इमेज ने कहीं यहां बनना था और इन्वर्टेड बनना था, यहां बनना था. कहां बनना था, 5/3 एफ के ऊपर बनना था. अब क्या होगा बच्चा जी, एक रे आप बोलते हो पैरेलल जाती है, एक रे आप बोलते हो इधर से जाती है वो वापस आती है, यहां इसको मिरर मिल जाता है, ये तो थोड़ा सा वैसा बन रहा है ये. और एक रे आपकी कहां से पास करेगी, वो फोकस में से पास करती है, जहां पर वो दोनों मिल जाती है वहां आपका इमेज बन जाता है. तो ये रफली, चलो मैं एक तो रफ, मैं कोई बात नहीं इसको द्वारा बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसको द्वारा बना देते हैं. ये आगे थोड़ी सी है मेरे से ज्यादा स्ट्रेट बन गई, थोड़ी ओब्लिक बनेगी लाइक दिस ठीक है, और ये इतने एंगल पे वापस हो जाएगी लाइक दिस. और एक रे आपकी फोकस में से पास करेगी, ये सारा सिस्टम बन गया. यहां मेरा इमेज बनना था भाई, ये इमेज बनना था, लेकिन अब तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा यहीं से. और इमेज इसका, अब ये इस मिरर इमेज के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इमेज मेरा कहीं यहां बनेगा, देख लो भाई. क्वेश्चन समझ आ रहा है, ये रिपीट करना, दोबारा बनाऊं फिगर को, थोड़ी बड़ी करके बनाता हूं फिगर को. ये मेरे पास मेरा कॉनकेव मिरर है, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एफ है, ये 2f है और ये f बाई 2 है. ये मैंने एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया. सबसे पहले इसके इमेज फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं. ये पैरेलल आएगी तो फोकस में से पास करेगी रे, ये फोकस में से पास कर गई. एक रे ये सीधी आएगी तो ये यहां से पास करेगी. यहां कहीं इमेज बनना था भाई, देखो ठीक बन गया बिल्कुल. थोड़ा वहां मेरे लिए कंपल्शन थी, यहां मेरे लिए कोई फ्री हैंड चल रहा है मेरा. मैंने ये एफ है और ये कहां बन रहा है, 5/3 एफ पे बन रहा है, मीन 1.66 एफ पे बन रहा है. और मैंने एक इससे पहले एक मैंने प्लेन मिरर प्लेस कर दिया है लाइक दस 4/3 एफ के ऊपर. तो ये रे दोनों रे अब यहां ना जाके यहां पर डॉटेड हो जाएंगी और इमेज आपका यहां बनाएगी, बिल्कुल यहां इमेज बनाएगी ऐसे लाइक दस. कोई डाउट हो बच्चा जी, कोई डाउट हो, ऐसे बनाएंगी इमेज. ये डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है 4/3 एफ और जहां इमेज ने बनना था वो डिस्टेंस है 5/3 एफ. अब जहां इमेज बना वो डिस्टेंस है ये मुझे बताना है भाई. व्हाट इज दिस गैप, 5/3 माइनस 4/3 इज इक्वल टू 1/3 एफ आ गया, क्योंकि 5/3 एफ है ये 4/3 एफ है, तो ये मतलब डिस्टेंस 1/3 एफ है, तो अंदर को भी 1/3 एफ पे बनेगा इमेज. सो व्हाट विल बी दिस एक्स, एक्स कितना आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 1/3 एफ आ गया. व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ पोजिशन ऑफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड, इससे कितनी रह जाएगी, 4/3 एफ माइनस 1/3 एफ इज इक्वल टू 3/3 एफ इज इक्वल, मीन्स फाइनल इमेज फोकस पे बनेगा. अब थोड़ी सी रे डायग्राम थोड़ी सी मुझे प्रॉपर बनानी पड़ेगी, रुक जाओ मैं रे डायग्राम फिर द्वारा बनाता हूं प्रॉपर वे के अंदर. अभी फिर मुझे वो फोकस पे दिखाना, भी प्रॉपर बनाता हूं मैं. लो देखो, ये एक राइट ये फोकस है, सपोज ये डबल ऑफ फोकस है और ये 5/2 है. ये ऑब्जेक्ट रखा मैंने एक, ठीक हो गया, और ये एक पैरेलल बीम ऑफ रे जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकस लाइक दिस. क्योंकि फ्री हैंड से थोड़ा सा कई दफा फिगर बनाते दिक्कत आती है, और एक आपका ये ऐसे जाएगा लाइक दिस और ऐसे वापस आ जाएगा लाइक दिस, ठीक हो गया. एक मिरर रखा हुआ है, इसके तीन, इस फोकस के तीन पार्ट बना लो. एक मिरर रखा हुआ है कहां पर, 4/3 एफ पे एक मिरर रख दिया मैंने, दिस इज 4/3 एफ, यहां पर एक मैंने मिरर रख दिया, ये डिस्टेंस 1/3 एफ है, तो ऑब्जेक्ट आपका कहां बनेगा, वो ऑब्जेक्ट आपका यहां बनेगा.
यहां बनेगा, अब ये वाली बाहर वाली रेज क्या बन जाएंगी, डॉटेड बन जाएंगी, ये वाली रेज डॉटेड बन जाएंगी, ये सारा काम डॉटेड है, कोई डाउट हो बच्चों आपको, ये अब आपका इमेज बनेगा, दिस विल बी इमेज फॉर्म्ड। आपने 4x3f पे मिरर रखा है, ये इमेज कहां बनना था, 5x3f पे बनना था, ये भी मैंने पढ़ लिया बनना था, लेकिन उससे पहले उसको मिरर ने इंटरसेप्ट कर लिया, कितना डिस्टेंस पहले इंटरसेप्ट कर लिया, ये डिस्टेंस 1/3f है, तो इमेज कहां बनाएगा, इधर 1/3f पे बनाएगा इमेज, तो ये डिस्टेंस टोटल 4/3f था, तो ये डिस्टेंस कितना रह गया, f रह गया, मींस द फाइनल इमेज कॉनकेव मिरर के फोकस पे बन रहा है, चेक कर लो बच्चा, मींस फाइनल इमेज कॉनकेव मिरर के फोकस के ऊपर बन रहा है, चेक कर लो बच्चों जी। तो मैंने इस लेक्चर में कोशिश की है कि मेरे, हालांकि पॉसिबिलिटी तो बहुत बनेगी, देर आर सो मेनी पॉसिबिलिटी, लेकिन मैंने एक सेंस इनकलकेट करने की कोशिश की है कि अगर दो कॉनवेक्स हैं तो कैसे काम करना है, दो कॉनकेव हैं तो कैसे काम करना है, एक कॉनवेक्स एक कॉनकेव है तो कैसे काम करना है, एक्सिस ऊपर नीचे है तो कैसे काम करना है, प्लेन मिरर के बाद इमेज बन रहा है तो कैसे काम करना है, प्लेन इमेज से पहले इमेज बन रहा है तो कैसे काम करना है, तो सब कोशिश मैंने की आपको एक सेंस इनकलकेट करने की कि अगर मेरे पास दो मिरर हो तो मैं कैसे काम कर सकता हूं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पॉसिबिलिटी, उसमें कोई लिमिट नहीं लगा सकता मैं, वो तो फिर आगे और आपको विद प्रैक्टिस चीजें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है बेटा, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे।